रघुबर दास की सरकार में राज्य में प्रमंडलीय आईजी पद समाप्त कर दिया गया था, लेकिन पुनः कुछ वर्ष बाद आईजी का पद बहाल भी कर दिया गया। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद स्थायी रूप से आईजी की पदस्थापना नहीं हुई थी। अब चुनावी माहौल है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश पर दुमका में प्रमंडलीय आईजी का पोस्टिंग हुआ। ए विजयलक्ष्मी संथाल परगना प्रक्षेत्र की आईजी बनकर दुमका में आई हैं। आपको बता दें कि संथाल परगना में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं और तीनों लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। इसको लेकर दुमका आईजी हर एक तरह के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए कड़े निर्देश दे रही हैं। उन्होंने कहा कि लाल वारंटी अवैध हथियार, शराब की तस्करी, जानवर की तस्करी पर रोक लगाना और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए संथाल परगना के सभी 6 जिले के पुलिस की तैयारी त्वरित गति से की जा रही है। आईजी ने दुमका जिले के सभी डीएसपी, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी के साथ समीक्षा बैठक भी की। इलेक्शन में जनरली हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए प्रिवेंटिव एक्शंस लेना बहुत ही जरूरी प्रोसेस है इलेक्शन प्रिपरेशन में। तो ये प्रिवेंटिव एक्शंस कितना अभी तक किया गया है और की गई जो कार्रवाई सफिशिएंट पर्याप्त है या नहीं है और कहाँ बाकी है और कहाँ इम्प्रूवमेंट का अभी भी स्कोप है, ये सभी संदर्भ में ये हुआ है। जैसे दुमका जिला का बारे में बात करेंगे तो हम लोगों का जो इलीगल लिकर और ये जो सीजर्स ऑफ इलीगल आर्म्स ये सब का थोड़ा कमी पाया गया है, उसी में तेजी लाने के लिए और अच्छा सूचना तंत्र मजबूत करते हुए ये सभी इलीगल वर्क्स को रोकने के लिए निर्देश दिया गया था। और इसके अलावा भी परमानेंट वारंट्स एग्जीक्यूशन और नॉन अवेलेबल वारंट्स के एग्जीक्यूशन के संबंध में भी इन लोगों को निर्देश दिया गया है और समय सीमा के अंदर सभी का टाइम बाउंड करते हुए ये कार्रवाई को तेजी गति से करने के लिए निर्देश दिया गया। कुछ सेंसिटिव बूथ्स अगर क्रिटिकल बूथ्स के बारे ऐसा रूप में चिन्हित किया गया है, उस बूथ्स के लिए किस तरह का पोलिंग कराने के पोलिंग डे में पीसफुली हो जाए उस दिन का, उसके लिए अभी से किस तरह का तैयारी होना चाहिए, एरिया डोमिनेशन का किस तरह का प्लान बनना चाहिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किस तरह का लेना है, ये सभी के संबंध में भी चर्चा की गई थी और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने के लिए तो उन लोगों को बताया गया है और किस इसके अंदर में क्या क्या आता है ये सभी उन लोगों से इन डिटेल चर्चा की गई थी। न्यूज़ विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।